जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। देश ने यह महसूस किया है कि जिन राज्यों में डबल इंजन यानी केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार होती है, वहां महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार अन्य राज्यों के मुकाबले डबल तेजी से बढ़ते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए पहले हमें डबल इंजन की सरकार की कार्यप्रणाली समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या की दृष्टि से पूरे भारत में पहले स्थान पर है। 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई यूपी की डबल इंजन सरकार अब रोजगार मांगने पर युवाओं पर डंडे बरसाती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम क्या है आप रोजाना के अखबारों को देखकर ही समझ सकते हैं। आज बिहार गरीबों के प्रतिशत के आधार पर देश में सबसे अग्रणी राज्य है। सच्चाई तो यह है कि देश के 5 सबसे गरीब राज्यों में 4 डबल इंजन वाले राज्य ही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक आदि राज्यों में भी डबल इंजन की ही सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध की हालत इन राज्यों में क्या है किसी से छुपी हुई नहीं है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम करती है, लेकिन वह डबल तेजी विकास के लिए नहीं विनाश के लिए होती है। पीएम मोदी को डबल इंजन सरकारों का भविष्य दिखाने से पहले वर्तमान पर परिचर्चा करनी चाहिए।